औलादों के बात तो पटना जाता है। अरे भैया किसी ने बेसिर पैर ये धोखे से हार तो नकली है, नकली धोखे से ला ला। अरे जुगाड़ू तू धोखे से। हाँ हम लाला उबे से पैर की अफवाह हम ही उड़ाए रहे हैं चंदा भाऊजी के साथ मिलकर। हम जान गए कि चोरी का माल आप ही खरीदते हो लाला जी, क्योंकि नेताजी की अंगूठी देख के भी आपने उनकी बाकी ज्वेलरी के बारे में नहीं पूछा। मतलब ई कि उनकी बाकी की ज्वेलरी आपके पास पहले ही पहुंच गई। और दूल्हा का हार? अरे वही तो था हमारा जुगाड़। हम जानते थे कि चोर सुनेगा ऊ हार 2 लाख का था तो अपने पैसे ऐंठने लाला के पास जरूर आएगा। अरे बेटा इसलिए ऐसे वाह कनुआ वाह, पहले तो नेताजी को लड्डू बात साफ किया, दूसरी बात साफ किया अलग से। बेगम का वो कुछ गड्डी हमारे जेब में पड़ी थी और हम जूता में वो बेगम टपक गई और पर भी पास को ही टपक है। ए मुंह का ताकर देखा वो जो चवन्नी का भाव खरीदा है मेरे प्यारे पटका पुरवासियों भाऊजियों और उनकी बहनों, आपको बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि पटकापुर का चोर पकड़ा गया है और पटकापुर में शांति वापस आ गई है। शांति? अरे शांति भाभी आ गई, अरे वो ब्लाउज छिलेंगे। शांति मतलब पीस वापस आ गया है और हमारा माल भी वापस आ गया है। देखिए आज सब संभव हुआ है हमारा कारण। देखिए हम ही ने जुगाड़ू को इस काम पे लगाया, उसकी प्रतिभा को हम ही ने चीना और उसको डिटेक्टिव बनाया। अरे टैलेंट चीनी टैलेंट टैलेंट तालिया। ये सब तो ठीक है पर तुमको हमारी साली के बारे में कैसे पता चला? तालिया। अब जुगाड़ू लाल के इस महान काम के लिए हम पटकापुर की तरफ से उसको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देखिए जुगाड़ू लाल को हम उसके इस जुगाड़ के लिए अपनी सोने की अंगूठी भेंट करता हूँ। जुगाड़ू लाल। अरे नहीं नेताजी, हम इस अंगूठी का करेंगे, वैसे भी इसमें आधा पीतल है और ये सब जुगाड़ हम इनाम के लिए थोड़े ना किए रहे हैं, हम तो अपने पटकापुर के लिए किए रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि पूरा नाम है मिस्टर जुगाड़ू लाल। तालिया। मुद्दा पाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। आप केंद्र हमारी बात पहुंचाइए और कैसे भी हो चीनी का काम करवाइए। आए रहो चंद्रपुर के नाथिया का महंगाई डाइन बहुत बरसों से खाया जा रही है, अगर ही महंगाई डाइन हम कब बनाया जा रही है।